गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। फिलहाल ब्रश करता हूँ और ब्रेकफास्ट करता हूँ और फिर देखते क्या करना है। हिसार जाएंगे आज अपना ड्रीम लैपटॉप लेने, मैकबुक प्रो। वाह, और सोनू भैया कल है आपका? कल ऑपरेशन, कल है। ब्रश करके आ गया हूँ, अब देखते खाने में क्या बनाया। चाय मैंने बना ली है, साथ में मेथी का परांठा एंड हरी सब्जी। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है, अभी खाता हूँ और उसके बाद मेरे को अभी लैपटॉप का एक्साइटमेंट ज़्यादा हो रहा है। तो अभी टाइम हो गया 1:30 और आज टाइम इतनी लेट गुजर रहा है ना, मेरे को इतनी एक्साइटमेंट हो रही है और टाइम लेट जा रहा है। तो 2 बजे पीयूष आएगा शायद, पीयूष को लेके जाएंगे हम, बिकॉज फर्स्ट टाइम इतना बढ़िया लैपटॉप लेने जा रहे हैं, ड्रीम लैपटॉप लेने जा रहे हैं, तो सब होने चाहिए ना, तो अच्छा लगता है यार। अब जल्दी से, ये क्या हो गया, ये किसने पंजा मार दिया? क्यों छुप गया? हाँ। स्कूल के बच्चों के काम हो गए ना पक्की बात। ब्लैक बोर्ड पे मैडम नाम डायरी लिखती है ना, हाथ मारा। ये काम तो भाई मेरे साथ भी करते थे बच्चे, सीधा पीछे पूरा वो लगाते थे, पता नहीं चलता है ना। जल्दी जा रहे हैं सर। तो देख लो हमने पीयूष के लिए कितना वेट कर लिया, मतलब ऐसा लग रहा है कितने साल वेट कर लिया मैं सुबह से, मतलब इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना मुझे लेने की, मैं आपको बता नहीं सकता गाइस। किसका हाथ होगा बता सकता है? स्पर्श का है। स्पर्श का? कल तू नहीं बचेगा भाई। ये तो कुछ भी नहीं है, दिखा तेरी शर्ट, तेरी शर्ट बची हुई है क्योंकि ये डाला है ना तूने। जब हमारी शर्ट होती थी ना, शर्ट में पीछे से बच्चे पेन से पता नहीं क्या क्या लिख देते थे, पूरा पेन मार के पेन से। एक को तो जैकेट पहन के था, पेन था वो ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है, इंक नहीं चल नहीं रही थी उसका पेन, ऐसे को रख गया। गाइस अब मैं वीडियो में बता नहीं सकता पीछे क्या क्या लिख देते थे, बस समझ जाओ बस क्या क्या लिखते थे। तो टी शर्ट डाल के जाता है स्कूल में? नहीं तो अंदर से। लेनोवो का बैग लेके जा रहे हैं एप्पल का लैपटॉप लेने, चलो रेडी, कुछ भूले तो नहीं। अभी हमारे साथ ये वाले सोनू भैया जा रहे हैं, इनका नाम भी सोनू भैया ही है। ले भाई ये आगे पहले आ जाता है, चलो 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 ऊपर, चल ऊपर, चल ऊपर, अबे ऊपर भाग ले, फिरते तो नहीं भाग गया बाहर, चल चल ऊपर चलो लड़की मेरी, ऊपर थोड़ी देर गेट बंद कर दे, चल ऊपर, नीचे नहीं, नीचे नहीं, चल ऊपर गेट बंद कर दो। बैग भी मिलता है एप्पल के साथ? एप्पल के साथ बैग नहीं, एप्पल के साथ थैली मिलती है। अरे मस्त जोक मारा रे। तो गाइस अभी ना मेरे दिल में काफी तेज तेज धक 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 हो रही है, बिकॉज थोड़ा महंगा लैपटॉप है ना, मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं जा रहा हूँ लेने के लिए। अरे यार मैं इनके पीछे क्यों चल रहा हूँ, मुझे आगे निकालनी चाहिए यार, जाम भी आज ही लगना था क्या? फाइनली ट्रैफिक से निकले जैसे तैसे करके, अब चलते हैं पेट्रोल भरवाते हैं फिर चलते हैं। डाल दो नॉर्मल, फुल कर देना, इससे इसे वीडियो बनाते हैं, हम वीडियो बनाते हैं। हेलमेट तो उतार ले। तो अपना लैपटॉप फाइनल हो चुका है, 16 GB तो मिला नहीं, 8 GB ले रहे हैं और साथ में फाइनल कट प्रो भी। ये है, इस पे नहीं देखेंगे आपको, किसी बता कौन सा कलर, वो वाला। मैंने सोचा था कि घर पे जाके अच्छे से अनबॉक्सिंग करेंगे फैमिली के साथ में, बट सिचुएशन ऐसी हो गई है कि सॉफ्टवेयर लेना था मुझे, तो यहीं पर अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, घर जाके दोबारा कर लेंगे फेक अनबॉक्सिंग। पीयूष को इसके बर्थडे पर दिलाएंगे हम iPhone 12, ठीक है? हाँ तेरे छोटू भाई, छोटू ही दिला देते हैं, छोटू ठीक है तेरे लिए। तो चलो यही अनबॉक्सिंग करते हैं, लेकिन कर मैं रहा हूँ, हाथ लगा ले, हाथ लगा ले। तो इस टाइप का डिब्बा है, देख लो। तो अभी अपना मेन सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है जिसके लिए मैं ये लैपटॉप ले रहा हूँ, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, देखो ये वाला फाइनल कट प्रो। यहाँ पे जब मैं आईपैड लेने के लिए आया था, तब मैं ओरियो को भी लेके आया था, आपने ब्लॉग देखा हो, ओरियो छोटा सा था, अब यहाँ पे डोल रहा था वो, हाँ हाँ याद है आपको। और मेरे को साथ की कुछ एक्सेसरीज भी लेनी है यार, मैं यहाँ पर ब्लॉग नहीं कर पा रहा। तो गाइस मैं मतलब जब से यहाँ पे आया हूँ तब से इतना ट्राई कर रहा हूँ ब्लॉग करने की, बट नहीं कर पा रहा, कभी किसी का फ़ोन आ रहा है, कभी कोई बोल जा रहा है, कभी क्या कभी क्या। तो बाहर जाके अच्छे से घर जाके ब्लॉग करेंगे, ठीक है? तो अभी थोड़ी शांति हुई है, बोल लेता हूँ। लैपटॉप के साथ में थोड़ी बहुत एसेसरीज भी ले रहा हूँ मैं, बिकॉज मैं अपना ये
और जो मैंने पीयूष को बोला है ना कि तेरे को आईफोन 12 दिलाऊंगा, वो एक्चुअल में दिलाऊंगा अगर ये हरकतें नहीं करेगा तो। हाँ, इसका बर्थडे आने वाला है ना, तो मैं सोच रहा हूँ। इतनी प्रॉब्लम मुझे आज तक नहीं हुई व्लॉग करने में। हाँ, मैं अपनी प्रॉब्लम भी नहीं बता पा रहा। इतनी प्रॉब्लम हुई कि मैं अपनी प्रॉब्लम ही नहीं बता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रुको जरा, सब्र करो, अभी बाहर चलते हैं। एक मिनट को प्राइस तो देख ले कितना है, पैसे लेके आएंगे। भाई साहब 80,000 का तो खुद भी है। भाई फोन कैंसिल। तेरे को दिलाएंगे नोकिया 3310। भाई तेरे को चुन्नू मुन्नू सा दिलाऊंगा ये वाला। हाँ ये ठीक है, फिर भी इसके अंदर है माल। तो फाइनली हमारा मैकबुक प्रो आ चुका है, एंड यहाँ पे हमको 3 घंटे लग गए। मतलब लिटरली पता ही नहीं चला। मेरे को लग रहा था कि जाके ले आएंगे सीधा, बट वहाँ पे एक्चुअल में काफ़ी टाइम लग गया। पहले तो मिला नहीं हमको, 16GB चाहिए था। फिर सोचा कि 8GB ले लेते हैं, क्योंकि मेरे को एक ही सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, फाइनल कट प्रो। फिर फाइनल कट प्रो खरीदा। अब मेरे दिल की धड़कन और तेज़ हो रही है। तो अभी रेडी हैं, आराम आराम से जाएंगे, अब तेज़ नहीं जाएंगे, बिकॉज धक 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 हो रही है काफ़ी ज़्यादा। अब ये कैमरा ना बैग में नहीं डाल सकता, बिकॉज बैग में ना मैकबुक का वो है बॉक्स, इसको हाथ में लेके जाना पड़ेगा। अब तो रास्ते में KTM का शोरूम है, मैं अपनी बाइक की ना चेन टाइट करवा लेता हूँ, हल्की हो रखी है। बाइक की चेन टाइट करवानी थी। अरे ये तो और हल्की लग रही है भाई, कुछ भी फ़र्क नहीं है इसमें तो ज़्यादा। चल तू RC लियो भाई, RC लियो, गिरियो मत भाई। मैं ड्यूक चला रहा हूँ अब, मुझे ये अच्छी लग रही है। क्या हो रहा है ये मेरे साथ, पसंद चेंज क्यों हो रही है? सब्सक्राइबर मिल गए यहाँ भी। हेलमेट उतारूँ फिर? उतार दो। तो एक हाथ में हेलमेट पकड़ रखा है, एक हाथ में कैमरा, कैमरा गिराएगा तू। तो कैमरे की बैटरी खत्म हो गई थी इसलिए मुझे उतरना पड़ा। हाँ बोल, ये निकलने वाला है, देख पकड़ इसको। सरदा गे होली, अरे कहाँ गया, ओए कहाँ गया। सरदा आगे है वाली, इसकी तो अलग ही पर्सनैलिटी है यार। और विनोद घर पहुंच चुके हैं, कुछ खाया नहीं हमने, बिकॉज एक्साइटमेंट हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। सोच रहा था मीठा ले जाऊं घर के लिए, बट ऑलरेडी पापा जी मीठा लेके आ चुके हैं, जो कि जलेबी हैं। तो गर्मा गर्म जलेबी, आप भी मुँह मीठा कर लो गाइस। तो घर पे ला के लैपटॉप की अनबॉक्सिंग हम करवाएंगे मम्मी जी से। धोखा, आपने पहले ही कहा था मेरे से करवाओगे। नहीं, मम्मी जी से कराऊंगा भाई। मम्मी जी आओ ना, अनबॉक्सिंग करोगे। सबसे पहले अपनी माँ को रखना चाहिए, पता है? हाँ, आपको पता नहीं। तू तो तेरे को तो दिलाऊंगा, तू खुद ही करेगा अपने खुद की। जब तेरे को दिलाऊंगा फोन लैप सब दिलाएंगे, टेंशन ना ले। तो पापा जी आपका बेटा ले आया है। थैंक यू। ड्रीम लैपटॉप। थैंक यू। मम्मी जी आपका बेटा ले आया है। क्या ले आया है? लैपटॉप। आशीर्वाद दे दो बस, ऐसी तरक्की करते रहेंगे। आशीर्वाद आप भी देते हो। मुँह मीठा कर लिया होगा? हाँ, पहले ही कर लिया इन लोगों ने, पहले ही कर। अरे बाल का क्या हो गया? इसका डब्बा निकालो, छोटा सा है यार। सही है, ट्रैवलिंग के लिए ठीक है ना, जैसे हम घूमते रहेंगे ना। खोलो खोलो खोलो, खोल के दिखाओ स्क्रीन, देखो कितनी पतली है। खोलो यहीं से खुलेगा। अरे बड़े में रख के बोलो ना। देख सो, ये है हमारा सौरव जोशी ब्लॉग का, क्या है, एप्पल मैकबुक। सौरव जोशी ब्लॉग का एप्पल, ये क्या बोल रहे हैं? सौरव जोशी ब्लॉग का एप्पल, वाह। आप जो भी है भी जी ब्लॉग का ही है वो, और किसका है? तो मम्मी जी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। पापा जी बहुत अच्छा। साहिल एक नंबर। पीयूष बहुत अच्छा। सोन भैया छोटा सा देख रहे हैं, छोटा ही होता है मम्मी। बड़ा वाला एक तो 2-2.5 लाख का मिलेगा, ठीक है? ऊपर से ट्रैवल करने में दिक्कत है। इसको इसी डब्बे में ले जाना, जहाँ भी ले जाओगे ना। इसका सही कह रहे हैं पापा जी, इसमें दिक्कत नहीं होगी। इसमें सेफ है, बेटा डिब्बा अपना रखा रहो इसको। डिब्बे में कौन ले जाता है, इसके कवर आता है, कवर ले लूंगा मैं। तो इसी अवसर पे क्या पार्टी दूं, क्या खाना चाहोगे बताओ? जलेबी है, जलेबी खाओ। जलेबी नहीं, उसके अलावा कुछ कुछ चटपटा कुछ? मैं तो नहीं। चौमिन 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 तो खाना। चौमिन खा लोगे? आप बताओ क्या? सेम चौमिन। जलेबी से चौमिन लेने चले? चलो चलो, मजा ही आ जाएगा। तो चलो अब चाउमीन लेके आते हैं, चाउमीन खाएंगे, उसके बाद सीखेंगे कैसे चलाते हैं इस लैपटॉप को, बिकॉज़ मुझे चलाना तो आता नहीं है ना ही। मुझे एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी खरीद लिया है, फाइनल कट प्रो खा लिया है मैंने।
मुझसे एक से ज्यादा नहीं खाई जाती, थोड़ा सा। जलेबी एक से ज्यादा नहीं खाई जाती मुझसे। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, मेरी जलेबी मेरे को ही खिला दो ले। तो गाइज अभी है डिनर टाइम, डिनर में पास चाउमीन लेके आया था मैं, तो थोड़ी सी चाउमीन सब्जी एंड रोटी, आज का डिनर हमारा यही है। तो आज का डिनर हमारा ये है देखो अभी। क्या शायद चाउमीन के साथ रोटी खा रहे हैं ये? चाउमीन के साथ रोटी कौन खाता है? मैगी के साथ और क्या था? मैक्रोनी के साथ। हाँ, मैक्रोनी के साथ भाई, अलग ही सिस्टम है इसका। क्या लाए हो? दूध? मम्मी जी मैं तो जब से आया लैपटॉप चलाया जा रहा हूँ, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, मुझे चलाना नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा ना? क्यों, फिर ऐसे क्यों लाया जब चलाना नहीं आता है? अलग है ना ये लैपटॉप, इसको पहले सीख मांगता वहां करता तब। अरे सीख जाऊंगा, अब आ गया, ऐसे कैसे ले जाएगा बता? आ जाएगा क्या? कॉम्प्लेन डाल के लाए हो? अरे वाह, पहले पिलाते कॉम्प्लेन, अब पिला रहे हो, थोड़ी हाइट बढ़ जाती मेरी। एक बार मैं इसमें एडिटिंग सीख लूं, उसके बाद मुझे सोनी वाला कैमरा भी लेना है जिससे मेरी क्वालिटी बढ़ेगी। A7S3 आया ना जो नया, ताकि आप LED में अच्छे से देख सको, तो क्वालिटी मुझे इंप्रूव करनी है कंटेंट के साथ साथ में। इतने लोग देख रहे हैं तो क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए पहले एडिटिंग सीखता हूँ अच्छे से फाइनल कट प्रो में, इसके बाद कैमरा अपग्रेड करेंगे, अब सोनी वाला लेंगे। अभी टाइम हो रहा है 11:28 और मेरी एडिटिंग हो चुकी है। अभी मैंने इसी में की है, अभी मैकबुक में नहीं की, इसमें मैंने ट्राई किया था और काफी 1-2 घंटे, बट उतने अच्छे से नहीं हो पाई क्योंकि मुझे फंक्शंस नहीं पता है किस तरह से फाइनल कट प्रो को यूज करना है, तो सीखने में तो टाइम लगेगा ही। फिलहाल तो सिंपल फिल्मोरा में एडिटिंग की है, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। और मैंने स्पेशली सिर्फ उसी सॉफ्टवेयर के लिए, उसको यूज करने के लिए ही ये लैपटॉप लिया है। इसमें क्या दिक्कत थी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एडिटिंग कंप्लीट हुई है और ये हैंग हो गया, कुछ काम नहीं कर रहा, जबकि सिंपल सा सॉफ्टवेयर है फिल्मोरा, ये हैंग हो गया। ये देखो स्क्रीन ब्लैक हो गई, अब थोड़ी देर बाद अपने आप चल जाएगा, मेरी एडिटिंग खराब ना हो जाए बस। मेरे को भूख लग रही है यार पीयूसी। हो गया, ठीक हो गया। तो देख लिया क्या रीजन था मेन, बट इसमें फॉइल्स ऐसे डाल रहा हूँ, ऐसे कट फेस बिल्कुल हैंग ही नहीं मार रहा है। तो एडिटिंग तो मैं, अगर मैं सीख गया ना एक बार फाइनल कट प्रो में, इतनी क्विकली एडिटिंग होगी और मैं हैवी से हैवी फाइल अच्छे से एडिट कर पाऊंगा। 4K भी ट्राई करेंगे, अभी कैमरा भी मुझे अपग्रेड करना है, तो मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा इस वीडियो के थ्रू, एडिटिंग के लिए लैपटॉप चाहिए, ओनली एडिटिंग के लिए, गेमिंग नहीं करनी है तो मैं आपको मैकबुक ही रिकमेंड करूंगा। मैकबुक एयर भी ले लोगे ना, इतनी तगड़ी एडिटिंग हो जाएगी आपकी, बट अगर गेमिंग वगैरह करनी है तो फिर तो आपको गेमिंग लैपटॉप ही लेना पड़ेगा इस टाइप का। मैं इसको ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज मैंने इससे अराउंड 400-500 व्लॉग एडिट किए हैं, बट एक टाइम के बाद लगता है ना कि हाँ यार काश फास्ट होता। और ट्रैवल के टाइम पे भी दिक्कत आती है इतना भारी लेके जाने में, बिकॉज बहुत भारी है ये, और ये तो हल्का सा है, छोटा सा है। फिलहाल इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। इसको अपलोड करने के बाद तो मैं इस पर लग जाऊंगा, बस एडिटिंग सीखनी है जल्दी जल्दी, इसके सिस्टम सीखने में, चलाना भी नहीं आ रहा है कैसे चलाते हैं। आज फर्स्ट टाइम मैंने मैकबुक चलाया, वो भी खुद का, तो मतलब एक अलग ही फीलिंग आती है यार। तो हाँ बस, थैंक यू सो मच, बाय। आराम से इसको निकाल लो। अरे ऐसे मत करो, अरे यार ऐसे नहीं निकालते यार, देसी स्टाइल कर दिया आपने, अच्छे से निकालो ना, निकालो यहाँ से इसको, ऐसे ऐसे निकाल लो ना।